हाय स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, मेरा टाइटल देखकर परेशान मत हो जाना, क्योंकि मैं आज ये आपको बताऊंगा कि कैसे जेई या नीट की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन 5 डेज में भी की जा सकती है। बच्चों, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे 11th और 12th कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेरी ये जो पूरी सीरीज़ है, इसमें जो रहेंगे वो रहेंगे बच्चों 4 पार्ट्स रहेंगे। आज मैं आपको देने वाला हूँ पार्ट 1। आज देखो, हम 5 डेज में कैसे करेंगे, मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ। 5 डेज में प्रिपरेशन हम ऐसे करेंगे। डू यू नो हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन केमिस्ट्री एनसीईआरटी? ओके, देखो हमारा बेस तो एनसीईआरटी है ना बेटा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री में 4 बुक्स है बेटा। ठीक है, 4 बुक्स कैसे हुई, 4 बुक्स कैसे हुई बेटा, 11th की 2 बुक्स और 12th की 2 बुक्स। ठीक है, 4 5 दिन में केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं बेटा? 5 दिन में केमिस्ट्री की प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन हम करेंगे 11th की बुक 1, एक दिन हम करेंगे 11th की बुक 2, अगले दिन करेंगे बेटा 12th की बुक 1, और लास्ट में करेंगे 12th की बुक 2, और लास्ट दिन करेंगे बेटा रिवीजन, है ना। तो कैसी लगी बच्चों मेरी स्ट्रेटजी? आपको करनी है 5 डेज में नीट या जेई की प्रिपरेशन, तो कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 11 से शुरुआत करेंगे, चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर 1 के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एंट्रेंस लेवल में पक्का आते हैं बेटा? मोल कॉन्सेप्ट के बिना क्या कभी पेपर बन सकता है? आप खुद कहो अपने आप से, क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। एनसीईआरटी के कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं बेटा? एनसीईआरटी के ये 3 4 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ बेटा, जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, वो आप लोगों को जरूर 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 करने चाहिए। स्टोशियोमेट्री के बिना पेपर नहीं बनेगा। स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स, रिएक्शंस की कैलकुलेशंस, लिमिटिंग रिएजेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बच्चों, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। बहुत अच्छे से बच्चों, अगर आप ये कर लेते हैं तो आई एम वेरी 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 मच श्योर कि आप जो है वो अच्छे नंबर जो है वो अच्छे स्कोर जो है वो जेईई और नीट में कर पाओगे। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी से थोड़ा पेपर आता है, बेटा यही तो आपकी गलती है, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, आप भूल जाते हो बेटा। और जो मेरे ये क्वेश्चन मैं आपको सामने लिख रहा हूँ बेटे, पेपर में ना दिखे तो जो मर्जी मुझे कह देना। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट, स्टोशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या करोगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 है केमिस्ट्री की बुक का। सबसे पहले क्वांटम नंबर, मैंने आज तक एंट्रेंस का कोई पेपर नहीं देखा जिसमें एंट्रेंस में क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चंस ना हो बेटा, पक्का आते हैं। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बस समझ गए ना, एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के कर लेना, बहुत फायदा रहेगा आपको। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का गोल्फ बॉल वाला एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है बच्चों, शायद वो सॉल्व एग्जाम्पल 2.16 होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन सॉरी 17, 33, 34 पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बोहर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 से 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल के, यही एंट्रेंस में आते हैं बच्चों। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल सारे करना, सॉल्व एग्जाम्पल सारे करना, अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, एक दिन में करनी है बुक 1 की खात्मा। एक दिन में बच्चों हम लोग करेंगे केमिस्ट्री की बुक 1 को ख़त्म करने की कोशिश, क्योंकि 5 दिन में तैयारी भी तो करनी है बेटा, तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। सबसे आसान चैप्टर कौन सा है पूरी केमिस्ट्री में? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसके ये ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से करना, और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 से 19 बहुत अच्छे से करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए बेटा मैं आपको एडवाइस करूंगा क्वेश्चन नंबर 21, 20 और 22 करने के लिए, बैक एक्सरसाइज के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता होती है, तो इसको इतना खास करने की जरूरत नहीं है। हॉट्स क्वेश्चन में कौन से कह रहा हूँ बेटा? क्वेश्चन नंबर 31, 32। और बच्चों, जो ये चैप्टर 3 है, इसकी खासियत ये है कि इसमें एमसीक्यूज
बैक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, कुछ कुछ बैक एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद सारे एमसीक्यूज के बैक एक्सरसाइज वाले जरूर करना। चैप्टर 3 सबसे आसान है, चाहे तो ये पहले पढ़ लेना। केमिकल बॉन्डिंग मेरा फेवरेट चैप्टर, एंट्रेंस वालों का फेवरेट चैप्टर और उसका फेवरेट टॉपिक, VSCPR थ्योरी। बच्चों वो टेबल बने हुए हैं बुक में शेप्स को लेकर, उनको बहुत अच्छे से करना। डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन के बिना पेपर कभी नहीं बन सकता, इसकी ट्रिक होती है निकालने की, उसकी वीडियो बनाऊंगा बच्चों जरूर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, σ1s2, σ*1s2 याद आ रहा है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसकी जरा थ्योरी जो है ना वो बुक में से एक बार ही गो थ्रू जरूर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग होता क्या है। रेजोनेंस इजी होता है बच्चों, रेजोनेंस को भी मैं एक बार आप बोलूंगा, इसको रीड करना। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज तो वैसे इंपॉर्टेंट है अगर आप CBSE का पेपर वैसे दे रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चों मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 36, ये सब 35, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। फजान रूल के ऊपर कोई क्वेश्चन वैसे NCERT में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको ना, इस चैप्टर को ना रीड करना पड़ेगा। मेरी स्ट्रैटेजी को समझो, मेरी स्ट्रैटेजी को समझो, इस चैप्टर को रीड करना अच्छे से। स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे ईजी चैप्टर बच्चों, अगेन चैप्टर नंबर 3 और 5 सबसे आसान है। इंपॉर्टेंट कौन से करोगे बच्चों, गैस लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। आइडियल गैस इक्वेशन के बिना एंट्रेंस का कोई पेपर नहीं बनता बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 एंट्रेंस लेवल के हैं बच्चों, साथ में क्वेश्चन नंबर 19 जरूर करना, और इसको रीड जरूर करना काइनेटिक गैस थ्योरी को, कि क्यों काइनेटिक, इसको रीड करने के बाद आपको पता लगेगा कि क्यों कोई गैस जो है वो आइडियल होती है और क्यों कोई गैस जो है वो रियल होती है। और यहाँ पर बच्चों वेंडर वॉल पैरामीटर्स ए और बी के बारे में जरूर पढ़ना, ये ए और बी वेंडर वॉल पैरामीटर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज जो हैं वो NCERT के पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल में दे रखा है बच्चों, उसको वहाँ से भी कर सकते हो। NCERT पढ़कर भी एंट्रेंस के पेपर क्रैक किए जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे को विश्वास भी है बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में घबराने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ वर्क डन अंडर डिफरेंट कंडीशन जरूर पढ़ लेना। फ्री एक्सपेंशन में 0 होता है, आइसोथर्मल में क्या 0 होता है, आइसोथर्मल में ΔU 0 होता है। इसमें एंथैल्पी रिलेटेड न्यूमेरिकल पक्का आते हैं, प्लस इस चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और एंथैल्पी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में बेटा आपको करने हैं हेसस लॉ के इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 14 बहुत अच्छे हैं। और बच्चों गिब्स एनर्जी के बिना कोई एंट्रेंस का पेपर बन ही नहीं सकता, गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये NCERT के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप जरूर करना, एक दिन में आप पूरी बुक 1 भी खत्म कर सकते हो, एक एक दो दो घंटे अगर आप दे दोगे ना बेटा तो हो जाएगा। अगर आपकी फिजिक्स और मैथ्स की तैयारी हो चुकी है, केमिस्ट्री की अगर करना चाहते हो शॉर्ट में, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। उसके बाद आता है बेटे इक्विलिब्रियम का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरा फेवरेट, ली चैटलियस प्रिंसिपल, जिसके ऊपर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 और 30 रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के ऊपर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 जरूर करना, 32 जरूर करना, और बच्चों इसमें ना क्वेश्चंस होते हैं डिसोसिएशन वाले, उसके लिए 14 जरूर करना, 22 जरूर करना, 23, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों एंट्रेंस के लिए, और 25 भी जरूर करना बच्चों। सबसे मुश्किल होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बुक 1 को पढ़ने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इस टॉपिक के बिना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बिना एंट्रेंस का कोई एग्जाम नहीं बनता बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 73 न्यूमेरिकल्स हैं NCERT के, इनको उल्टा करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद। तो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम तैयारी करें, ये मैंने आपको टास्क दे दिया है बच्चों। अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करोगे क्या एक दिन में बुक 1 खत्म हो सकती है? अरे एक दिन में तो 2 दिन में हो जाएगी, लेकिन ट्राई तो करो। आपको फिर कल एक वीडियो बना के दूंगा बेटा, उसमें मैं आपको केमिस्ट्री की 11th की बुक 2 कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझाऊंगा, कि उसके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो कैसे करें। टिल यू जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा, एंड डू लाइक द वीडियो एंड
शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो.